जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यहाँ पे राजस्थान सीईटी 2022 के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पे, जो ग्रेजुएशन लेवल के कंप्लीट हो गए, 12th लेवल के यहाँ पे अभी तक भरे जा रहे हैं, तो इनके अंदर हम बात करने वाले यहाँ पे कि जो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और इसके अलावा यहाँ पे बुक्स कौन सी बेस्ट रहेगी उसके बारे में कम्प्लीट हम बात करने वाले हैं। ट्यूशन कौन से सब्जेक्ट के कितने आएंगे वो भी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले देखो यहाँ पे राजस्थान के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का एग्जाम आपके जनवरी के आसपास होने वाला है, और इसके अंदर यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग एग्जाम होगा, और इन दोनों के अंदर ध्यान में रखना जो पेपर होगा वो एक होगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी पेपर पूरे सब्जेक्ट का एक ही होगा, और 12th लेवल के अंदर यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनका पेपर एक ही होगा। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपके इसमें 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 150 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के रहेंगे, और इसके अलावा इसमें एक बात ये है यहाँ पे कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये जो पेपर होगा ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये आपके 3 घंटे का होगा। सेम यही पैटर्न आपके 12th लेवल के अंदर रहने वाला है, यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, ये 300 मार्क्स के रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं, तो ये जो पेपर पैटर्न है इनके अंदर ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के अंदर सेम रहने वाला है, लेकिन इनका जो सिलेबस है वो सिलेबस अलग अलग है। हम पहले ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कंप्लीट इंडिया जीके का पोर्शन रहने वाला है, और इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान जीके का कंप्लीट पोर्शन रहने वाला है, जिसमें आपके हिस्ट्री वगैरह, आर्ट कल्चर, ठीक है, पॉलिटी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट इसमें रहने वाले इंडिया जीके और राजस्थान जीके के अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपके इंटरनेशनल लेवल का रहेगा, नेशनल लेवल का रहेगा, और स्टेट लेवल, ये तीनों लेवल के यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन भी रहेगा, और साथ में कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना इसी के साथ में मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो एक तो आपके जीके का पोर्शन होगा, एक करंट अफेयर्स का पोर्शन, एक मैथ और रीजनिंग का पोर्शन, इसके अलावा इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, और साथ में यहाँ पे कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का आधुनिक ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके सिलेबस इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। और बेस्ट बुक के लिए हम यहाँ पे बात करें तो आप बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, इस सीईटी के लिए आपके एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है, जिसमें एक तो आपकी कंप्लीट गाइड आती है, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी एक प्रैक्टिस बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और अदर कोई आपको अच्छे लगे तो वो भी आप ले सकते हो, जिसमें आपका सारा सिलेबस एक ही बुक के अंदर हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर पैटर्न रहेगा, किसमें कितने क्वेश्चन आएंगे कौन से पोर्शन के, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जीके का पोर्शन है जिसमें इंडिया जीके और राजस्थान जीके है, इसके अलावा इसमें यहाँ पे साइंस का पोर्शन भी शामिल रहेगा, तो ये 50% रहेगा यहाँ पे, मतलब टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, और ये 75 क्वेश्चन जो जीके के रहेंगे ये टोटल 150 नंबर के रहेंगे। इसी प्रकार मैथ और रीजनिंग है, इसके जो टोटल पर्सन आएंगे यहाँ पे लगभग मिनिमम हम बात करें यहाँ पे एवरेज, ठीक है, तो एवरेज आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके 80 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन रहेगा, इस हिंदी और इंग्लिश के टोटल आपकी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश कई बार ऐसा भी हो सकता है इनके अंदर कि हिंदी के ज्यादा पर्सन आ जाए और इंग्लिश की कम आ जाए, तो इनका कंबाइन में आपको बता रहा हूँ कि इनके कंबाइन जो पर्सन पूछे जाएंगे टोटल वो 20 क्वेश्चन होंगे, और ये 20 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पे 40 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 40 नंबर के। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर्स का जो बुनियादी ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, इसके टोटल आपके 15% रहेंगे, और ये आपके 30 नंबर के। इस प्रकार टोटल आपके 150 नंबर का, और 150 क्वेश्चन होंगे, और ये 300 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई कुछ भी नहीं है, तो आप इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान रखें, और एक प्रॉपर गाइड लेके आप इसकी तैयारी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है भी जरूरी यहाँ पे, आगे जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, और उन एग्जाम की लिस्ट भी आप देख चुके होंगे भी कौन कौन से एग्जाम इसके अंतर्गत होंगे यहाँ पे, तो इस चीज को आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखें। और 12th लेवल वाले जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है।